गलियों में पिता के साथ जादू दिखाने वाला एक छोटा सा जादूगर कब प्रदेश की राजनीति का बाजीगर बन गया, लोग समझ ही नहीं पाए। 4000 में मोटरसाइकिल बेचकर अपना पहला चुनाव लड़ने वाले राजनीति के चाणक्य के अशोक गहलोत आज तीसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं अशोक गहलोत से जुड़ी कुछ रोचक बातें। अशोक गहलोत के पास अपना पहला चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन एक हौसला था, उम्मीद थी, जिसके दम पर अपना प्रचार शुरू किया। गहलोत के पास अपना कार्यालय बनाने के लिए भी जगह नहीं थी, ऐसे में उनके एक दोस्त ने अपने सैलून को खाली कर उनको कार्यालय बनवाया। जोधपुर का वो हिस्सा गहलोत के अड्डे के नाम से आज भी लोगों की जुबान पर चढ़ा रहता है। चलिए गहलोत के राजनीतिक जीवन की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। पहली बार 1980 में जोधपुर से 7वीं लोकसभा के सांसद निर्वाचित हुए। गहलोत 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं लोकसभा के सांसद रहे। जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से हुए निर्वाचित। 3 बार केंद्र सरकार में रहे मंत्री। 2 सितंबर 1982 इंदिरा गांधी सरकार, पर्यटन और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री। 7 फरवरी 1984 राजीव गांधी सरकार, खेल उप केंद्रीय मंत्री। 21 जून 1991 पीवी नरसिंगा राव सरकार, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री। माना जाता है कि जो नेता धरातल पर अधिक सक्रिय रहता है वो दिल्ली पहुंचकर फेल हो जाता है, वहीं जो दिल्ली में ऊंचा कद रखता है वो जनता में पहुंच नहीं बना पाता है। लेकिन गहलोत ने इन सब मिथकों को तोड़कर जनता के दिल में रहते हुए दिल्ली में भी अपना जादू बरकरार रखा। लोग गहलोत को जादूगर, बाजीगर और चाणक्य जैसे नामों से पुकारते हैं। वहीं गहलोत जो अपनी एक मुस्कान से सिर्फ यही कहते हैं कि वो जनता के सेवक हैं और हमेशा जनता के पास ही रहेंगे।